नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मैं आपको कूलर के बारे में जानकारी दूंगा कि कूलर किस तरीके से काम करता है, रिवाइंड कैसे किया जाता है, पेपर काट के कैसे फंसाए जाते हैं, कि जैसे कि ये स्टेटर है इसमें कैसे पेपर फंसाए जाते हैं, कौन सा स्टेटर है और ये कौन सा स्टेटर है, तो इसके बारे में आपको आज मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। उसके बाद इसकी ये क्वाइल कैसे बनाई जाती है और कैसे फिट की जाती है, किस स्लॉट में कौन सी क्या स्लॉट कहलाती है, क्या नहीं कहलाता, कहाँ वायर बैठा लाया जाता है, इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। ये कनेक्शन कैसे निकालते हैं, इस सबके बारे में बताऊँगा मैं आज। इसमें रहता क्या क्या है, जैसे कि ये है, सबसे पहले मैं खुलना बताता हूँ इसको। देखिए मैंने एक खोल के रखा है बैच, जैसे ये इसमें ये टॉमिक पाना लगता है, याद रखिएगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगा मैं। ये 8 नंबर का पाना है, इसमें ये नट खुले जाते हैं, जैसे ये वाले नट जो है ना इससे खुल जाते हैं, या तो ये वाला लगेगा या दूसरा पाना लगेगा, इससे देखिए ये खुल जाते हैं, ये इससे खुल जाता है। इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इनको ये जो होते हैं इसको बोलते हैं स्टड, ये स्टड के नट हैं, ये नट कहलाते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसको खोला कैसे जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा। देखिएगा ये वाइंडिंग है, रिवाइंडिंग, ये खराब हो गया है, देखिए इसमें खराब हो चुका है वायर। ये इसका रोटर है, ये स्प्रेसर है, इसमें वाशर पड़े हुए हैं, ये फाइबर वाशर होते हैं, ये पाइप होता है इसमें एडजस्टमेंट के लिए, किस तरीके से इसको बैठाला जाता है इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसमें बुश लगा हुआ है, ये बुश कहलाते हैं, इसको बुश को कैसे इसमें बैठाला जाता है, कैसे इसको पंच किया जाता है, ये इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। ये शाफ्ट कहलाती है, कूलर शाफ्ट, ठीक है, ये कूलर शाफ्ट है। ये जो है इसमें कितने स्लॉट, ये जो बीच में क्वाले बैठा ली गई हैं इसको स्लॉट बोलते हैं, ये स्लॉट हैं इसमें, तो ये कितने स्लॉट का है सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो ये 24 स्लॉट का है, कैसे पता लगा मैंने कि ये 24 स्लॉट का है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये जो है 6 स्लॉट हैं, और ये ऐसी ये जो है 4 क्वाले हैं, तो 6 चौके 24 है ना, ये 24 स्लॉट का पंखा है, यानी ये जो कूलर है 24 स्लॉट का है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 24। देखिए ये मैं पेपर फंसा चुका हूँ, अब आपको पेपर फंसाना बता रहा हूँ। सबसे पहले एक कॉर्नर बनाना है इसमें, इस तरीके से ये दोनों साइड से आप इसका कॉलम बनाएंगे, कॉलर बनाएंगे, और कॉलर बनाने के बाद इसको इस पर बैठा लेंगे, इस तरीके से गोल करके बैठा दीजिए। इसमें ये ग्रिप बना हुआ है, इसमें ग्रिप में ये बैठ जाती है इस तरीके से, देखिए ऐसा ही बैठा ला, इस तरीके से बैठा लें। वैसे ये पेपर जो है आजकल मशीनों से कट के आता है, कंप्लीट कटा हुआ आता है, आपको फंसाना हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, डायरेक्ट लाइए आप खरीद के और इसमें फंसा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से पेपर फंसाना है। अब काम कैसे करना है, इसमें भरना कैसे है ये बताता हूँ मैं। देखिए इसके लिए मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है, ये मैंने डायग्राम बना हुआ है इसमें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या क्या होता है इसमें, कौन सी चीज़ क्या होती है। देखिए दो वाइंडिंग होती है इसमें, एक रनिंग दूसरा स्टार्टिंग, इसमें दोनों वाइंडिंग बताई हैं। देखिए ये जो है 1 से 6 तक जो है
ये जो है अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो ये ऊपर साइड जो रहेगी, देखिए जैसे कि ये ऊपर साइड वाली वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये वाली जो वाइंडिंग होती है ये रनिंग वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक में क्या बोला था मैंने कि एक से छः में, तो यहाँ से देखिए ये वायर स्टार्ट किया मैंने भरना, और ये भरते हुए यहाँ आया, ये आ गया छः पर, एक से छः पर। तो एक से छः पर दो बार, दो इस लंबी कॉइल को दो बार जाना है, बैठाना है स्लॉट में, ठीक है। और दो से पाँच पर, देखिए ये दो से पाँच पर एक बार ही बैठाना है, इस तरीके से कॉइलें बैठा ली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनाया, ये कॉइल पिच बनाई हुई इसमें, ये स्लॉट है, ये कॉइल पिच कहलाती है, ये बीच में जो है ये स्लॉटें हैं इसमें, ठीक है। ये 24 स्लॉट का है। अब इसका देखिए इसमें करना कैसे बनाया जाता है, ये बताता हूँ मैं आपको। ये है, जैसे मैंने ये सर्किट बना के रखा हुआ है, इसमें इसमें करना क्या है, आप देखिए ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये वायर स्टार्ट किया, ये वायर यहाँ से आई यहाँ पे, ये इसका एंड हो गया, ठीक है। अब इसका एंड इसके एंड से जुड़ना है, दूसरी कॉइल जो है, एक कॉइल ये हो गई जैसे, दूसरी कॉइल ये हो गई, तो इसका देखिए एंड इसके एंड से जुड़ना है, इसका स्टार्टिंग इसकी स्टार्टिंग से जुड़ना है। तो फिर देखिए ये यहाँ पे आ गया, और इसकी एंड इसकी एंड से जुड़ना है, तो ये स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग यदि बाहर निकलती है वायर, तो दूसरा लास्ट का वायर जो होगा वो भी स्टार्टिंग का ही निकलेगा, रनिंग का एंड का नहीं निकलेगा। यदि एंड का निकलता है, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, यानी टॉप का मतलब सबसे पहला जो सिरा होगा वो टॉप होगा, और जो एंड का सिरा होगा वो बॉटम होगा। तो जैसे कि ये बनाया है मैंने, ये स्टार्टिंग कॉइल बना दी मैंने, और यहाँ पे ये रनिंग कॉइल बना दी। देखिए तो मैंने क्या किया, ये जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मैंने कॉमन कर दिया, ये बाहर निकल गया। अब इन दोनों का ये देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग का और इसका स्टार्टिंग का वायर, देखिए इसका ये स्टार्टिंग का वायर ये आ गया। यहाँ से एक केपी शटर लगा दिया मैंने 4 MFD का और 450 वोल्ट में, तो ये यहाँ पे लगा दियो, और ये वायर ये निकाल दिया, एक ये वायर हो गया, ये वायर हो गया इस सप्लाई के लिए। बीच में ये रोटर रहेगा इसके, इनके बीच में ये रोटर रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अब इसको भरने का तरीका क्या है, कैसे भरेंगे, इसका फर्मा भी बनाना पड़ता है। तो फर्मा कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके आगे की जानकारी दूंगा कि इसमें स्लॉट में कैसे बैठाते हैं, किस तरीके से फर्मा बनाया जाता है, कौन सी स्टार्टिंग आती है वायरिंग। जैसे वायरिंग में आपको एक बार बताऊं, यहाँ से मान लो स्टार्टिंग का वायर निकलता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एंड निकलेगा, तो इसका भी जो दूसरा वायर निकलेगा वो स्टार्टिंग से यहीं से निकलना चाहिए और एंड का यहाँ से आना चाहिए। तो इसका स्टार्टिंग का वायर इसके स्टार्टिंग से जुड़ जाएगा, तो अब एक एंड का वायर ये निकलेगा, एक एंड का वायर ये हो जाएगा, ये फिर दूसरा जाएगा, इसका एंड का वायर इसके एंड पे जाएगा और इसका स्टार्टिंग, इस तरीके से ये कनेक्शन होंगे पूरे, और दो वायर बाहर निकल आएंगे इस तरीके से। अब दो कॉइलें बनाएंगे, यानी चार कॉइलों का एक कॉइल होगी और चार का एक पेयर, यानी ये पेयर बनाएंगे, चार कॉइलों का एक पेयर होगा और फिर चार कॉइलों का एक पेयर होगा। इस तरीके से आपके चार वायर ही बाहर निकलेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये निकले हुए चार वायर, ठीक है। इस तरीके से चार वायर निकलेंगे बाहर, ठीक है। इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।